तो पानीपत से एक बड़ी खबर आ रही है जहां नहर में डूबने से महिला पहलवान की मौत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर की पहलवान तनिष्का की डूबने से मौत हुई है। अपने दो दोस्तों के साथ नहर में तनिष्का नहाने गई थी, श्रीलंका में इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी, लेकिन डूबने की वजह से नहर में उनकी मौत हो गई है। बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने तनिष्का के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। बिना पोस्टमार्टम के ही श्रीलंका में इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तनिष्का तैयारी कर रही थी, लेकिन अपने दो दोस्तों के साथ वो नहाने के लिए गई थी, लेकिन इस मौके पर नहर में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। राष्ट्रीय स्तर की पहलवान तनिष्का, जो कि श्रीलंका में इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो उनका सपना, उनका ख्वाब अधूरा रह गया है और नहर में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अपने दो दोस्तों के साथ नहर में वो नहाने के लिए गई, लेकिन इस मौके पर उनकी डूबने से मौत हो गई। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डो ऑनलाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, सबसे पहले पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, आखिर क्या वजह रही? देखिए, परिवार के लोग इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक तो परिवार के लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर डॉक्टरों को मना कर दिया। हालांकि पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन वो रिटर्न में यहाँ पर देकर गए कि वो किसी प्रकार का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते और उन्हें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है और न ही वो मौत का कारण जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर पूरा गांव मौजूद था, पूरा गांव गमगीन माहौल में है, क्योंकि लड़की तनिष्का एक राष्ट्रीय स्तर की प्लेयर थी और एक चमकता सितारा थी और अभी श्रीलंका की चैंपियनशिप के लिए वो तैयारी कर रही थी। तो ये सबसे पहले रीजन ये रहा कि वो बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया। जी, कैसे हुआ ये हादसा प्रदीप, और बाकी जो दोस्त है, दोनों दोस्त है, उनका क्या पता चला है? देखिए आदर्श, मैं बताना चाहूंगा, जो तनिष्का है वो हर सुबह अतवाला के पास जो यमुना नहर के नजदीक आवा वहां पर अखाड़े के अंदर प्रैक्टिस करती थी और प्रैक्टिस करने के बाद रोजाना जो भी प्लेयर थे वो यमुना नहर के अंदर नहाने के लिए चले जाते थे, क्योंकि काफी धूल मिट्टी लगने के बाद नजदीक ही यमुना नहर है, तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर। तो तीनों दोस्त तनिष्का और उसकी दूसरी प्लेयर रेणु और एक और तीसरी लड़की, तीन लड़कियां नहर के अंदर नहा रही थी। इसी दौरान तीनों जो अधिक गहरे पानी में चली गई, जिनमें से जब डूबने लगी तो तीनों द्वारा बचाने की चिल्लाने की आवाजें लोगों ने सुनी, तो दो बच्चे को तो निकाल लिया गया, लेकिन जो तनिष्का थी उसका शव तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर यमुना नदी के अंदर बरामद किया गया और तब तक वो उनकी जान जा चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान तनिष्का की नहर में डूबने की वजह से मौत हो गई है।